keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, cause my love deserves to be. Hello and welcome to today's vlog. So, पहले आप लोगों को इंडिपेंडेंस डे की बहुत सारी शुभकामनाएं. पहले तो आज हम लोग आए हैं हाजो. ये एक लाइक गुवाहाटी से अराउंड 30 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है. तो हम लोग सोचे ये जगह अभी तक एक्सप्लोर नहीं किए हैं, तो आके देखते हैं. तो ये एकदम मतलब थोड़े से पहाड़ के ऊंचाई के ऊपर है. तो आप लोग देख सकते हैं हम पूरा जो पहाड़ चढ़े, वो रोड ट्रिप आपको अभी दिखा देंगे स्टार्टिंग के बाद. ये बहुत ही सुंदर जगह है. ये मैं आपको जस्ट हम एक जगह पहाड़ के ऊपर रुके हैं, हम इसका व्यू आपको पहले दिखा देते हैं, फिर और क्या है हाजो में हम दिखाएंगे. ठीक है, तो पहले हम आपको व्यूज दिखाते हैं, ये व्यू दिखाते हैं जो है. सो आई एम एक्साइटेड एंड एक्साइटेड टू शो यू पीपल एज वेल. सो ये है आपका व्यू जो हम पहाड़ के ऊपर अभी रुके हैं. ये देखिए कितना ब्यूटीफुल है. ये पूरा नीचे ग्रीन कवर है. आपको पता ही है असम वन ऑफ द स्टेट्स है जहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, और अगर आप नेचर लवर है तो ये तो आपके लिए बहुत ही सुंदर जगह होगा. तो अभी देख सकते हैं आज इंडिपेंडेंस डे है, इसीलिए सारे गाड़ियों में फ्लैग लगा हुआ है. तो आज दिन भी बहुत अच्छा है, मौसम भी अच्छा है, ज़्यादा गर्मी नहीं है, और जगह भी कितना सुंदर है. तो ये जगह पे अभी हम लोग रुके हैं, अभी और ऊपर जाएंगे. ये है ये पहाड़ के साइड में, ये मेरी फैमिली, मेरे पापा, मेरी मम्मी. सो ये हम लोग अभी जा रहे हैं हाजो. तो ये एकदम शौराईघाट ब्रिज जस्ट हम क्रॉस करने वाले हैं. तो ये देखिए कितना ब्यूटीफुल ब्रिज है जो अक्रॉस ब्रह्मपुत्र रिवर बना हुआ है, और सामने ब्यूटीफुल हमारा छोटे छोटे पहाड़ है. सो इट्स एन एब्सोल्यूट डिलाइट टू ट्रैवल इन अ कार और अ बाइक, जस्ट एंजॉयिंग द सीरीन ब्यूटी एंड नेचर. सो अभी हम हाजो पहुंच गए हैं. तो अभी हम लोग पहाड़ चढ़ रहे हैं जहाँ पे हिल टॉप पे हम लोगों का पोआ मेक का दरगाह है, और ये केदार टेंपल है. तो देखिए ऑलवेज ऑलवेज ऐसा नहीं है कि डेस्टिनेशन ब्यूटीफुल हो, आप लोगों का जर्नी भी बहुत ब्यूटीफुल होता है. तो ये एकदम उसी का एग्जांपल है. लाइक द रोड ट्रिप इज़ सो ब्यूटीफुल, लाइक आपको इतना अच्छा लगेगा क्योंकि एकदम रॉ ब्यूटी है, एकदम सुंदर रास्ता, साइड में इतना ग्रीनरी. सो इट्स जस्ट अ हेवन फॉर नेचर लवर. सो प्लीज एंजॉय. हम लोग बाहर ऊपर आ गए, नीचे पूरा सिटी दिख रहा है आपको, अगर बाद में हम लोग दिखाएंगे. बट हमको एक बात समझ में नहीं आ रही, किसी ने भी मास्क नहीं लगाया है. तो यहाँ पे हाजो पे एक दरगाह है जिसका आप नाम देख सकते हैं, पोआ मेक का लिखा हुआ है. तो हम लोग यहाँ पे आए हैं. तो ये है एंट्रेंस इसका, और आज बहुत सारे लोग हैं, इंडिपेंडेंस डे है. तो आप देख सकते हैं बहुत सारे बाइक्स और गाड़ियाँ हैं, बहुत लोग हैं यहाँ पे. देखिए ये एकदम हिल टॉप पे है, तो यहाँ से व्यू बहुत अच्छा है, बट बहुत पेड़ है इसलिए नहीं दिखेगा. मतलब ये हिल टॉप से ज़्यादा ये जर्नी बहुत सुंदर, एकदम नीचे से ऊपर बहुत ब्यूटीफुल है. तो अगर आप आ रहे हैं असम तो यहाँ जो पे ये दरगाह पे विज़िट आप ज़रूर कर सकते हैं. ये बहुत सुंदर है, अराउंड गुवाहाटी से 30 किलोमीटर्स दूर है. तो ये लोग हम लोग ले रहे हैं कैंडल और कुछ चढ़ावा चढ़ाने के लिए. तो ये हम लोग ने कैंडल और थोड़ा चढ़ावा खरीद लिया है, अभी हम लोग ऊपर दरगाह की तरफ जा रहे हैं. इट्स माय फर्स्ट टाइम विजिटिंग अ दरगाह. तो यहाँ पे सारे दुकान हैं जहाँ पे आप खरीद सकते हैं. तो यहाँ पे हम लोग जूता खोल रहे हैं.
तो ये कॉम्प्लेक्स है। तो हम लोगों का दरगाह में विज़िट हो गया है। हम लोगों ने अंदर जाके प्रेयर किया बट अंदर वीडियो अलाउड नहीं था या फोटोग्राफी अलाउड नहीं थी। जगह बहुत सुंदर है, अगर आप लोग गुवाहाटी आ रहे हैं तो आप ये जगह मिस मत कीजिए। एकदम पहाड़ के ऊपर है, सुंदर जगह है, अराउंड 30 किलोमीटर्स है, तो ये बहुत सुंदर है। आपको व्यूज़ भी हम दिखाए और रोड ट्रिप भी दिखाए कैसे है, तो आप आ सकते हैं। और ये जगह पे आप इरेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन सब लोग आ सकते हैं। तो आज वैसे इंडिपेंडेंस डे है तो आज बहुत अच्छा लग रहा है। हर गाड़ी के साथ इंडियन फ्लैग लगा हुआ है, इट्स अ प्राउड मोमेंट बिकॉज 75th इंडिपेंडेंस डे है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, हर कोई बाइक पे या गाड़ी पे या बैग पे इंडियन फ्लैग लगा के घूम रहा है आज। अभी हम लोग जा रहे हैं माधव टेम्पल जो हाजू में ही है। तो हाजू में दो तीन घूमने का जगह है, एक तो ये दरगाह है, फिर हो गया माधव टेम्पल और केदार टेम्पल। तो अभी हम लोग माधव टेम्पल जा रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे कछुए मिलते हैं, तो वहाँ पे जाके आप कछुए को खिला सकते हैं। तो चलिए लेट्स गो। ये जी ये बच्चों, अभी हम लोग माधव टेम्पल के रास्ते पे हैं। हम लोग अभी माधव टेम्पल जा रहे हैं। अगर आप गुवाहाटी में आ रहे हैं तो आप कोई भी एक कार लाइक रेंट पे लेके ये सब जगह घूम सकते हैं। तो ज़्यादा दूर नहीं है गुवाहाटी से, तो आप एक दिन में ये ट्रिप कवर कर सकते हैं और रात को आप गुवाहाटी में और भी कुछ जो अलग चीज़ें हैं वो कर सकते हैं। तो एक दिन में आप नाइट मार्केट गुवाहाटी का ये देख सकते हैं और साथ ही में ये हाजो ट्रिप भी कर सकते हैं। तो ये हम लोग पहुंच गए, ये कार पार्किंग है, तो अभी अंदर जाके आपको दिखाते हैं माधव टेंपल का दर्शन। तो यहाँ पे मिलेगा कछुआ, मतलब यहाँ पे आप कछुए को खिला सकते हैं। यहाँ पे है कछुए का खाना। हाँ, तो अभी आप ये लेके यहाँ पे कछुए को खाना खिला सकते हैं। बट बहुत लोग हैं अभी, हम लोग थोड़ा वेट करते हैं, थोड़ा खाली हो फिर नीचे जाएंगे। पानी कितना ग्रीन है देखिए, कितना सुंदर है। ये देखिए कितना बड़ा कछुआ। Softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free. I never wanna look at a house in the garden. I never wanna lock you down. I know you're not mine. It's just my turn, but we can still have fun for now. तो अभी हम टेंपल के ऊपर जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कितनी सारी सीढ़ियां है। तो टोटल 94 सीढ़ी है, तो ये हम लोगों को चढ़ाई करना होगा अभी। हेलो गाइस, सो आज का व्लॉग हम इतने में ही एंड कर रहे हैं और सेकंड पार्ट जल्दी हम अपलोड करने वाले हैं, क्योंकि आज का दिन बहुत बड़ा था तो व्लॉग भी बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम सोचे इसको दो पार्ट में अपलोड करें, तो हम नेक्स्ट पार्ट बहुत ही जल्द अपलोड करने वाले हैं। अगर आपको ये फर्स्ट पार्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नया चैनल है, आप लोगों का सपोर्ट इट विल मीन अ लॉट टू मी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए सो दैट आई कैन मेक मोर व्लॉग्स, आई कैन एक्सप्लोर मोर ब्यूटिफुल प्लेसेस। सो यूट्यूब इज़ बेसिकली इंस्पायरिंग एंड मोटिवेटिंग मी टू डू न्यू थिंग्स, सो थैंक यू गाइज। सो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर से बोले हम। सो प्लीज स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस ब्लॉग वेयर आई विल बी कवरिंग द माधव टेम्पल ब्लॉग एंड केदार टेम्पल ब्लॉग। सो स्टे ट्यून, बाय।